हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं प्लास्टिक। जी हाँ, ये हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक के कुछ रोचक तत्व, ये है हमारा वैसे टॉपिक है संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक, जिसमें से मैंने यहाँ प्लास्टिक को लिया है। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप इसको समझ सकेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं और हम क्या करते हैं। अब सबसे पहले आप खुद देखिए, आप अपने घर के आसपास के माहौल में आपको कितनी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, सोच सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा स्पेक्स, इसका जो ये कवर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है। और दिखाऊं, ये बाउल प्लास्टिक से बना हुआ, ये टॉय टेडी बियर प्लास्टिक से बना हुआ, ये पेन प्लास्टिक से बना, ये हेयर बैंड जिसे हम लगाते हैं ये भी प्लास्टिक से बना हुआ, ये क्यूब इसे हम खेलते हैं ये भी प्लास्टिक से बना हुआ, जो मोबाइल हम डेली यूज़ करते हैं उसके पीछे का कवर प्लास्टिक से बना हुआ, ये डाइस जो कि हम लूडो खेलते हैं जिससे, वो डाइस प्लास्टिक से बनी हुई, टूथपेस्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं, सुबह उठते हैं टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश भी टूथपेस्ट भी जो इसकी ट्यूब है प्लास्टिक से बनी हुई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब का सब प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक से छोटा खिलौना भी बन सकता है और बड़े से बड़ा भी बन सकता है। देखिए, ये है छोटा सा डाइस, ये है हमारा बड़ा डाइस। जिस चेयर पर आप लोग बैठते हैं वो चेयर भी प्लास्टिक की होती है, तो कई दरवाजे भी प्लास्टिक के होते हैं। तो इस तरह से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक की बनती हैं। इसके साथ साथ एक वाटर बॉटल की बात करूं अगर मैं, तो वाटर बॉटल भी प्लास्टिक की होती है। अब उस वाटर बॉटल में, जो प्लास्टिक वाली बॉटल आती है सिंपल बॉटल, उसमें अगर मैं पानी डालूँ तो क्या होगा, वो पानी उसमें एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर मैं इस प्लास्टिक की बॉटल के अंदर गर्म पानी डालती हूँ, बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालती हूँ, तो क्या होता है, तो इसमें वो जो बॉटल है क्रैक होनी शुरू हो जाती है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म पानी जब इसके अंदर डाला गया तो ये बॉटल ख़राब होनी शुरू हो गई, पिघल गई। ठीक है, अब कई बार हम लोग किचन के अंदर होते हैं, किचन में आप अपनी मम्मा के साथ खड़े हैं, तो क्या होता है, आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ अगर आपके गैस स्टोव के पास पड़ी है तो क्या कहा जाता है आपको कि इसको इसके पास नहीं रखना। और अगर गलती से वो पास हो जाती है तो क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है प्लास्टिक। इसका मतलब कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं जो पिघलने शुरू हो जाते हैं जब उन्हें तेज ऊष्मा मिलती है, जब उन्हें तेज मतलब वहाँ आग के समीप आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पिघलने लग जाते हैं। और जो प्लास्टिक पिघल जाता है उसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और दोबारा उससे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक, जिसे पिघलाकर आप किसी भी नए रूप में ढाल सकते हैं। लेकिन अब एक बात और सोचिए, प्लास्टिक को जब भी हीट के आगे, गर्मी के आगे, ऊष्मा के आगे लेकर जाया जाता है तो वो पिघलने लगता है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिए कि आपके घर की किचन के अंदर ही कुछ प्लास्टिक ऐसा भी होगा जो पिघलाया नहीं जा, जो पिघलता नहीं है, जैसे कि कुकर। कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है उसके, लेकिन जो हैंडल होता है वो तो नहीं पिघलता है, वो चाहे जितनी मर्जी तेज गैस हो, है ना, वो देखते हैं हम। उसके अलावा हमारा फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन होता है वो भी नहीं पिघलता है। क्यों? फ्राइंग पैन का जो हैंडल है वो भी नहीं पिघलता। तवा जिसपे हम सुबह शाम दिन रात रोटी बनाते हैं, वो उसका भी हैंडल होता है, वो भी नहीं पिघलता। लेकिन उसके जब हम क्या करते हैं, अगर उसके हम तवे के की जो एल्यूमिनियम है उसको अगर हम टच कर लेते हैं तो हमें गरम गरम लगता है, स्टील को टच कर लेते हैं फ्राइंग पैन के तो हमें गरम लगता है, लेकिन अगर उस हैंडल को टच करते हैं तो हमें गरम नहीं लगता। ऐसा क्यों? एक तरफ तो प्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाता है, दूसरी तरफ का प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं पिघलता। ऐसा क्या होता है?
इस तरह का जो प्लास्टिक होता है उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जो एक बार जिस आकार में आ गया वो उसी आकार में ही रहेगा। इसका एक उदाहरण और है हमारे पास, ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक स्विच है, बटन है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी के पास में है, वहां से भी विद्युत प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मीन्स जिनमें से लाइट प्रवाह नहीं कर सकती है, इसीलिए ये जो स्विचेस हैं ये बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण होते हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट क्या है, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और मेलेमाइन क्या है, जो अधिक ऊष्मा सहन करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा को वो सहन कर लेता है। तो जो आग प्रतिरोधी जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक का प्रयोग। प्लास्टिक का प्रयोग हम लोग हर जगह कर रहे हैं, आज हर जगह पर इसका प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ ये चलो सस्ता होता है, हल्का होता है, हम इजीली इसको उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। अब जैसे ये चेयर है, हम चेयर को कहीं से भी उठा कर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी जगह हमारी स्टील की लोहे की चेयर हो तो हम उसको नहीं उठा के ले जा सकते। अब तो हल्का है, प्रबल है, सबसे बड़ी बात अनभिक्रियाशील, मीन्स कि जब हमारे पास कोई लोहे का बर्तन पड़ा है, बाहर हमने उसको रख दिया, या लोहे का गेट भी है, तो उस पर क्या होता है, वायु और नमी के संपर्क में जब वो आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, मींस उसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक वो चीज़ है जिसके अंदर रिएक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन अब हम बात करते हैं पर्यावरण की, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, पर्यावरण में। अब पर्यावरण के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के फायदे हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो है ही है। ठीक है, तो अब पर्यावरण और प्लास्टिक, प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। प्लास्टिक जो है हमारे लिए यूज़फुल है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये पॉलीथीन। ये पॉलीथीन हम लेकर आते हैं, इस पॉलीथीन के अंदर मार्केट से सब्जी, फ्रूट, दाल, कुछ भी, तो वो सब कुछ हम लाते हैं, और प्लास्टिक देखिए ऐसे जल्दी से मुड़ जाता है ना। और जब हम इस प्लास्टिक को घर में मतलब इसमें से हमने सब्जी निकाली, यूज़ किया, देन क्या कर देते हैं, इसको मोड़ा एंड थ्रो कर दिया। जब हम इसको थ्रो कर देते हैं तो डस्टबिन में जाता है। डस्टबिन के बाद ये कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर नालियों में गिर दिया जाता है। तो क्या होता है उससे, इसका प्रॉपर निस्तारण नहीं होता है। प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये वातावरण में जो है मतलब प्रदूषण का कारण बनता है, गंदगी का कारण बनता है, क्योंकि इसकी जो है निस्तारण की समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो पदार्थ अपघटित हो, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं, उन पदार्थों को बोला जाता है जैव निम्नीकरणीय। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक, प्लास्टिक जितना भी है वो सारा का सारा किस में आता है, जैव अनिम्नकरणीय में। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे ये अपघटित नहीं होता, इसको बहुत टाइम लग जाता है, ये जल्दी से अपघटित नहीं होता है, जिस वजह से ये पर्यावरण में प्रदूषण का कारण बनता है। और जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से बहुत बुरी मतलब स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत मतलब जो गलत गैसें हैं, गंदी गैसें हैं, वो उसके अंदर प्रवाहित कर जाती हैं, और जिससे समस्या हो जाती है सांस लेने की, और बहुत सी और प्रॉब्लम जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम उसका यूज़ करना भी है हमें, लेकिन नहीं भी करना है, तो हमें उसका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना यूज़ करो, और उसके बाद उसका प्रॉपर हम मतलब उसे इधर उधर नहीं फेंके, जिससे कि जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो ना हो। उसके अलावा हमें ये 5 आवर्स
पांच आर का जो सिद्धांत है इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये पांच सिद्धांतों पर भी काम कर लेते हैं तो भी हम पर्यावरण की, जो प्लास्टिक से होने वाली पर्यावरण की समस्या है, उससे हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। क्या है वो 3 5 आर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज, थर्ड इज रिसाइकिल, फोर्थ इज रिकवर एंड फिफ्थ इज रिफ्यूज। पहला है कम उपयोग करें, जितनी जरूरत है उतना करें। दूसरा रीयूज, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग, हम उसका दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल मीन्स पुनः चक्रित, जिसको रिसाइकिल करके कुछ नया बनाया जा सके। रिकवर, रिकवर में ना पुनः प्राप्त कर लेना। एंड रिफ्यूज मीन्स उपयोग ही ना करना, जहाँ तक संभव हो सके हम उसका उपयोग ना करें। जैसे अब ये प्लास्टिक की जो हमारे पास पॉलीथीन्स हैं, ये इनका यूज़ ना करके हम कपड़े का पॉलीथीन भी, कपड़े का पॉली बैग जो है वो बना सकते हैं हम। उसके अलावा कोई और जो है जूट के बैग्स हैं वो बना सकते हैं, वेजिटेबल लेने जाना है तो उसमें लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम, अगर हम इसका जहाँ ज़रूरत है सिर्फ उस जगह पर यूज़ करें और उसके अलावा हम इसका यूज़ ना करें, तो इससे हम इस टॉपिक को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और यहीं से आपके कितने सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं। सबसे बड़ा बात प्लास्टिक, प्लास्टिक के रूप, प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, प्लास्टिक के उपयोग क्यों क्यों किए जाते हैं, उसके बाद पर्यावरण और प्लास्टिक का क्या संबंध है, फिर जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है, और 5 आर के जो सिद्धांत है वो क्या होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग वे में आप इस क्वेश्चन को, आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू so much.